unconventional order, to say the least. 19-year-old Richa Bharti was asked by a Ranchi court to distribute 5 copies of the Quran as a condition for her bail. Now, she was arrested on the night of the 13th of July after a case was registered against her for allegedly sharing objectionable communal content that hurt the sentiments of the minority community. But Richa claims that her post had no intention to disturb communal harmony and that it was not a hate post. Protests were also held in Ranchi against the arrest of Richa Bharti. मेरे एक नॉर्मल पोस्ट के लिए हमको मस्जिद जाना पड़ेगा, कुरान बांटना पड़ेगा. पोस्ट मेरा नॉर्मल था, जो सबका पोस्ट तो सबकी आईडी पे ऐसे पोस्ट आपको मिल जाएंगे. अपने भगवान के बारे में लिखना कोई गलत नहीं है. हम ऐसा नहीं कि विशेष रूप से उनके धर्म को ठेस पहुँचाए हैं, ऐसा भी मेरा पोस्ट नहीं था. और पोस्ट मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं था, वो आता है कटिंग पेस्ट, ये सब वही पोस्ट किए थे और कुछ गलत नहीं था. सर था तो मानने में इज्जत करते हैं सर का जो फैसला आया है, लेकिन हमको लग रहा है ये सही नहीं है. हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे पोस्ट तो दूसरे समुदाय से होते हैं, तो क्या कभी उन्हें ऐसा किया गया उनके साथ कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, मंदिर मंदिर घूमो? लेकिन मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो हम असंतुष्ट है इस फैसले से. गलत है ये फैसला, हम पूरी तरीके से गलत नहीं बोल रहे. जहाँ से फैसला है हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम गलत हुआ मेरे साथ. मुझे नहीं याद कि ऐसा कभी कोई जजमेंट आया हो कि आपको किसी धार्मिक ग्रंथ की कॉपीज बांटनी होंगी. ऐसा हमने कभी नहीं सुना देश के इतिहास में. मुझे लगता है ये फिट केस है अपील करने के लिए.